मंदिर को तोड़ना गिराना तो बहुत बड़ा अपराध है, ये उचित नहीं है। नमस्कार साथियों, अभी हमें चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के नजदीक मंदिर पर इस मंदिर को गिराने की बात की जा रही है। आखिर क्यों, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का और कहा गया है इसे 15 दिनों के अंदर खाली करना है। आखिर आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद की मस्जिद हो, रेलवे स्टेशन की, मुंबई को की हो या फिर लखनऊ की, जब उसे नहीं गिराया जा रहा है तो आखिर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस सर्कुलेटिंग एरिया की जगह को ना खाली करवाएं, लेकिन किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर का नजारा है, हनुमान जी का मंदिर है और इधर है पूरा आपका रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करबी। तो जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं चित्रकूट धाम पर और वो इस मंदिर के दर्शन करते हैं, तो आखिर उनकी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ से आप देखते हैं साधु संत सभी सारे गुजरते हैं, यात्री भी यहाँ पर आते हैं। तो आपका क्या नाम है साहब? इस मंदिर को गिराने की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि ये सर्कुलेटिंग एरिया यानी कि नजदीक है रेलवे स्टेशन के और मस्जिदों को गिराने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आखिर आपके क्या विचार है? सरकार अपने उचित समझे नहीं तो क्या ये उचित है? उचित तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसको होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर और संत जी से बात कराते हैं आपकी आखिर क्या कहना है उनका और कब से यह मंदिर है, कितना प्राचीन है और क्या है इसकी महत्ता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराज जी हैं और यहाँ पर हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। तो सबसे पहले सत सत नमन करूंगा और तो सबसे पहले आ गए हैं हम, देखिए यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पर सबसे पहले हमने आशीर्वाद लिया, महाराज जी के भी चरण स्पर्श कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। बोलना हो पढ़ना को नहीं नहीं, तो आप ये बताइए सबसे पहले महाराज जी इस मंदिर को गिराने के लिए कह रहे हैं तो कितना सही है? गिराना तो मंदिर को तोड़ना गिराना तो बहुत बड़ा अपराध है, ये उचित नहीं है। जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारे से पहले एक दो संत जहाँ आकर के खत्म हो चुके, इसलिए हमारी ये अवस्था है, हमारा भी यह वो है अंतिम समय हो रहा है और ये बहुत पुराना स्थल है, धर्म को नष्ट न किया जाए, धर्म स्थल है, चित्रकूट धाम तपोभूमि है, यहाँ भारत साधु समाज पूरा यहाँ से गुजरता है, भक्त समाज सब यहाँ से आता है, सबकी आस्था है, सबका जो है यहाँ बैठने से दर्शन से शांति मिलती है तीर्थ के नाते, इसलिए गिराना ही किसी प्रकार से उचित नहीं। अच्छा, जैसे कि मंदिरों को ही टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों को ज्यादा ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कई मस्जिदें हैं उनको गिराने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आखिर सरकार से आपकी क्या विनती है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आपके कार्यकाल में ऐसा ना होना चाहिए, हमारा तो आज जो है 80-90 साल की अवस्था में ना हम अभी आज तक ऐसा कोई कार्य सुना ना देखा गया कि मंदिर गिराए जाते हों, बनाने के सहयोग देते थे, गिराने का तो कोई प्रश्न नहीं था। अब जो है आज की सरकार के कार्यकाल में अगर ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है तो ये उचित नहीं है। मंदिरों को गिराना धार्मिक दृष्टि से अनुचित है। आप समझ सकते हैं कि ये चित्रकूट धाम करवी है और यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन के बगल से मंदिर है। आप जानते हैं कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोभूमि मानी जाती है, यहीं पर भगवान ने तपस्या की और यहीं पर साधु संत निवास करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना सरासर गलत है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे मंदिर हैं, बांदा का रेलवे स्टेशन मंदिर हो चाहे फिर कई ऐसे मंदिरों, सिर्फ मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी विनती है, गुजारिश है सरकार से कि वो ऐसा नहीं है कि इनको ना खाली कराए, लेकिन एक ही धर्म विशेष को टारगेट करना गलत है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के मंदिरों को हटवाया जाता है, उनके लिए नोटिस चस्पा की जाती है और उनको हटाने की बात की जाती है, तो इसी प्रकार मस्जिदों के साथ भी समानता का व्यवहार
होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दी गई कि 15 दिनों के अंदर आप इसको खाली करिए, नहीं तो इसको इसमें बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर हनुमान जी कुछ ऐसा करेंगे कि ना होने पाए? ये भगवान के हम तो हमारे कोई समर्थ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि धर्म पे कुठाराघात न हो, मंदिर न ढहाए गिराए जाए। यहाँ पर मंदिरों की बात की जा रही है, मंदिरों को बचाने के लिए महाराज जी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मेरी भी एक गुजारिश है कि इस मंदिर को न तोड़ा जाए, और यदि तोड़ना ही है तो सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक एक्सप्लोर मीडिया।